पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा राज्य इकाई के निर्देशन पर 12 जुलाई 2021 को समस्त संगठनों द्वारा 7 दिवस में कर्मचारियों की मांगों का निराकरण करने के लिए एसडीएम त्योंथर को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन शासन द्वारा कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसको देखते हुए संयुक्त मोर्चा द्वारा 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। हाँ, ये सचिव संगठन के माध्यम से जो ज्ञापन आया है इसको हम लोग शासन को अवगत करेंगे, इससे वरिष्ठ कार्यालय को भेजेंगे और शासन के इसको निर्णय देंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो हमारे पूरे अनुसांगिक संगठन है, जितनी भी योजनाएं हैं वो जनपद स्तर के प्रशासनिक जनपद सीओ से लेके ग्राम पंचायत के जो हमारी आखिरी कड़ी और समन्वयकर्ता हैं और जिनके मेहनत की वजह से ही धरातल पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, वो जीआरएस सचिव, पंचायत समन्वय अधिकारी और अन्य विभागों को विकास खंड स्तर पे जिन भी योजनाओं के राष्ट्रीय केंद्रीकृत योजनाएं और मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पदस्थ समस्त विकास खंड के समन्वयक और सहयोगी, इन सबकी सेवा शर्तों के पूर्णता विस्तार सुविधा और अन्य जो राष्ट्रीय पेंशन लागू था पहले परिवार, इन सब चीज़ों के लागू ना होने की वजह से हम ग्रामीण विकास के सारा अमला माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी और विभाग के समस्त मुखिया से ये हम लोगों ने मांग की है कि हमारी मांगों का निराकरण अतिशीघ्र किया जाए। जो लंबित मांगे हैं, लंबित मांगों के निराकरण के लिए पहला बिंदु तो हमारा ये है कि हमने उनको समय दिया है 2 दिन का, आज से सामूहिक अवकाश के ग्रामीण विकास के जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर के सभी अधिकारी कर्मचारी सहयोगी सारे हम लोग आज से अवकाश में हैं और 2 दिनों में अगर शासन द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो हमारी निर्णीत है कि फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे और उसके लिए शासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।